चमड़ा तो हथिया कोड़ देते हैं, यादव तो साइकिलिया कोड़ देते। अरे अपनी वाले तुम लोगों का क्या पहचान है कि तुम लोग भाजपा को वोट देते हो? इनका खर्चा नहीं चल रहा, इनके भरोसे थे, इनका खर्चा नहीं। 2 साल से उड़े थे, कहाँ उड़े? रोज उद्घाटन, रोज बनौना अखिलेश बनौना उद्घाटन तो दोस्तों देख सकते हैं अपने जिले आजमगढ़ में, यहीं पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और रैली खत्म हो चुकी है। और क्या क्या बातें अपने रखे हैं बीच में, जनता के बीच में क्या क्या रखे हैं, इनसे ही पूछते हैं। क्या आए थे आप? मैं मोदी से यही कहना चाहता हूँ, जो सहारा का जो भुगतान करने वाला अमित शाह थे, उनका भुगतान जल्द से कर दे, अच्छी बात है। भुगतान नहीं हो रहा है? नहीं, भुगतान किसी को भुगतान। मोदी जी क्या क्या बोले हैं, सुने हैं आप लोग? हम तो आए थे, बाद लेट थोड़ा हो गया। किसका है? एयरपोर्ट का। अरे एयरपोर्ट तो पहले से बना। हाँ, हवाई अड्डा का, हवाई अड्डा जहाज उड़ी है। हाँ, वो अभी तो हेलीकॉप्टर गया है। हेलीकॉप्टर उड़ा है ना, जहाज उड़ी कहीं उड़ी? जहाज तो अभी नहीं देखा। जहाज नहीं उड़ी है? देखा नहीं है। उद्घाटन हो गया? हाँ, उद्घाटन हो गया। क्या करना चाहते हैं? जहाज उड़ी है, जहाज उड़ी है, जहाज उड़ी है यहाँ से? नहीं, जहाज तो नहीं उड़ी, हेलीकॉप्टर उड़ी है। हेलीकॉप्टर तो हरदम उड़ रहा है, उद्घाटन करने जहाज का तो जहाज जिस चीज को उद्घाटन होगा वही आएगा, वही सामान आएगी। जिस चीज का होगा उद्घाटन वही आना जरूरी है, वही आना। क्या करना चाहते मोदी को? मोदी को फिर लाना है, और क्या करना फिर तब का? हाँ, और क्या करना है? खुश है मोदी जी से? अरे कौन नहीं खुश है मोदी से? अरे आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम तो खुश हैं। हाँ, मोदी को लाना है दोबारा? हाँ, एकदम दोबारा लाना है। और किसको लाना है? किसको और लाना, आप बता दीजिए किसको लाना है, हमें वही आप बताइए। हम क्या बताएं, आप बताइए ना। हमें मोदी को लाना है, मोदी को लाना है, मोदी को लाना है, योगी को लाना है, इन्हीं सबको लाना है। यही दो रहेंगे बस, यही दो, मोदी योगी। और लेके जहाज लेके जा रहे हैं जो पोस्टर, उस पर जहाज उड़ाने का बात रखी गई है, जहाज उड़ी नहीं। अरे क्यों नहीं उड़ी? जनता जहाज देखना चाहती है। जनता जहाज नहीं देखी है? जहाज देखी आज नहीं देखी है? क्यों नहीं देखती? ऊपर तो देखती है, देखती है जहाज। आज तो अभी उद्घाटन हुआ ना, अब इसके बाद होगा, विश्वास है कि जहाज उड़ जाएगी। हाँ हाँ, एकदम 100% उद्घाटन होगा, उड़ भाई करेगी, उड़ेगी। 2 साल से उड़े थी, कहाँ उड़े? रोज उद्घाटन, रोज बनौना अखिलेश बनौना उद्घाटन खाली दूसरे फीता काटने निर्माण पलटू राव राजभर मंत्री बन गई ने। निर्माण कौन किया? निर्माण इस रोड का? अच्छा, ये पूछ रहे हैं निर्माण कौन किया? बनवाया कब? अरे किसकी सरकार में पास हुआ था? अखिलेश अखिलेश में हुआ था पास? अरे हम कागज पे लिख के बात करवा भेज दे। जहाज उड़ी, जहाज उड़ी, जहाज उड़ी। कर्तव्य अखिलेश के दिन से हो रहा है। मोदी जी बोले कि 140 करोड़ जनसंख्या हमारी परिवार है। क्या आप परिवार में है? ना परिवार ढोंग बोले हमारा सब परिवार। मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो आज हम लोग कैसे सिटिया लहा ले यहाँ के वक्त 24 घंटा? अरे लही तो है, अरे लही तो है, निर्वल आए हैं कुछ ना पे क्या सपा सरकार में कुछ नहीं दे। एयरपोर्ट की देन दूसरे को पैदा होने पे लोग खिलाने वाले। आप लोगों ने मोदी जी को देखा? मोदी जो को देखे क्या? हम खाली बार मोदी बना के बुलाया गया था। अरे मोदी जी चप्पल तोड़े हैं, अरे मोदी जी का चप्पल टूट गया, प्रेशर बनवा के यहाँ लाया गया था। लेकिन मैं अखिलेश को वोट देता हूँ भाई। अच्छा, ये बोलना है कि मोदी जी चप्पल तोड़े हैं? हाँ, मोदी चप्पल तोड़े हैं। वो बोले थे सबको हवाई जहाज चप्पल चलने वाले को उड़ा दें। कहाँ उड़ा रहे हैं 5 साल से? बस अपना एकदम कुर्सी पर से ढकेल दिया मोदी को। हम देखने गए तो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, सुने 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 ना, अगर कुर्सी पर से आपको ढकेलने जाता तब कौन सा नारा लगाते आप? अरे हम तो वही में दब गए थे, कैसे निकल कर भागे उसमें जान बचा के। अखिलेश रातन बढ़िया से बैठे होते आराम से, कुछ खर्चा पानी मिला था। अब अखिलेश यादव खर्चा खाद डाल रहे हैं, 500 खाद डाल रहे हैं। इनका खर्चा नहीं चल रहा, इनके भरोसे थे, इनका खर्चा नहीं चल रहा। ये बात बताइए, कटा दिए हैं 1 महीना बाद पैसा भी दिए हैं? अरे 900 रुपया मिला, 900। खाली धरती पर जो अखिलेश के धरती पर आज मोदी उतरे हैं, आज मोदी आज। अरे मोदी जी तो पहले से भी उतरे हैं, मोदी 19 में भी आए थे। अखिलेश के धरती पे उतरे हैं, अपनी धरती पे नहीं उतरे हैं। आज हम की धरती अखिलेश की धरती है, और अखिलेश के जो मोदी की धरती नहीं है, उन्हीं के धरती पे आज उतरे हैं। निरहुआ बोल रहे हैं कि हमारी धरती है। निरहुआ क्या जाने, निरहुआ
वो तो अच्छा है। सुनिए सुनिए, रिजमुल सबका रीति स्वार्थ लग कर फिर ये लोग स्वार्थ में बिके हुए, स्वार्थ में बिके हुए। की बात नहीं रहुआ को समझ में आ जाएगा, पैसे पे आकर समझ में आ जाएगा। अच्छा ये सुनिए, सिर्फ 85-15 का नारा है, आज अंग्रेजों की तरफ 85 को लड़ना पड़ेगा तब लोग अपना हक पाएंगे। अच्छा ये बोल रहे निरुवक समझ में आ जाएगा, निरुवक काम नहीं किएगा, कुछ नहीं काम किया, क्या निरुवक खुल्ला बोल रहे हैं, ना बजाने वाला गाना कुछ नहीं काम कर रहा, निरुवक खुल्ला बोल रहे हैं 50 साल का एक साल किया, तो कैसे वोट पा गया आपका? नहीं वो तो गुड्डू जमाली की वजह से जीत गया ना। यहाँ हवाई जहाज उड़ेगी अब सीधा देश विदेश में जाएगी। एक दिन सबको 85-15 में सबको 85 को हल जोतना पड़ेगा और अंग्रेजों को। अरे अच्छा ए, आप लोग डरते नहीं है कि मोदी की रैली में अगले साल हम लोग नहीं करते हैं? ऐसा है कि देखिए हर ब्लॉक के, हर ब्लॉकों के हर प्रधानों को ये सूचित करके पूरी पूरी सरकारी बनवाई, बताइए चप्पल टूट गया ये कहां से बना रहा? चप्पल आप बोल रहे मोदी तो रहे हैं बाबूजी, किसके कमाई से पैसा से पूरी सरकारी बनवाए हैं? किसके कमाई से बताइए? हम लोग 2000 रुपए पाते हैं ना, 2000 पाते हैं तो 2000 में एक भी हम लगा दिए। मोदी चोर हुआ है, 1000 लगा दिए 2000, और हमने जो है उनका जो कार्ड और पैसा सब खा गया। अच्छा कुछ महिलाएं एक जगह मोदी जी खुश हैं? हाँ हम तो मोदी जी पे खुश हैं। आप मोदी जी के परिवार हैं? हाँ मोदी जी के परिवार। वोट मोदी जी को देंगे? मोदी जी को तो मैं एजेंट बन के मोदी जी का तो मैं एजेंट बन के वोट डलवाती हूँ, लेकिन तो आजमगढ़ का कार्यकर्ता मान नहीं करते हैं। यहाँ कहाँ, यहाँ का काम यादव कितने भी करेंगे, जो ओबीसी है उनको मान नहीं करते हैं कि हमको वोट दे रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता लोग। मैं यादव हूँ, मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हूँ ध्यानी यादव, मैं यहाँ गोपालपुर विधान से, फिर भी ये लोग मान नहीं करते हैं। ये लोग जो ठाकुर और बाभन लोग जुट जाते हैं, ये लोग कहते हैं अरे वो चमड़ा तो साइकिलिया कोड़ देते हैं, यादव तो चमड़ा तो हथिया कोड़ देते हैं, यादव तो साइकिलिया कोड़ देते। अरे भाई तुम लोगों का क्या पहचान है कि तुम लोग भाजपा को वोट देते हो? गाली को क्या पहचान है कि तुम वोट देते हो भाजपा के? अंदर से सफाई हो, बाहर से भाजपाई हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोदी जी बोले हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या हमारे परिवार है। क्या परिवार है मोदी जी? हम तो परिवार नहीं है, हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो मोदी जी की पलवार हैं। हम लोग वोट भी देते हैं, वोट डलवाते भी हैं, लेकिन तो आजमगढ़ का कार्यकर्ता जो लोग हैं वो मान नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे साथ में रहेंगे? हम लोग कैसे जानेंगे और हमारी सरकार कैसे जानेगी कि ये लोग? निरहुआ तक बात नहीं पहुँचाई अपनी? निरहुआ जी से तो बात किए, उनका भाई ने बोला कि तुम भी जाओ मोदी जी से टिकट मांग लो। मैं बोली कि हमारे यहाँ 2-3 चक रोड बनवाने के लिए है, वो उनका भाई ने बोला, उनका पीएम ने बोला कि मोदी जी से बात करो, मोदी जी से पैसे मांगो, मोदी जी से काम करवाइए, हमको वोट नहीं देती हो, मोदी जी को देती हो। सांसद तो यहाँ से बन के जाता है आजमगढ़ से, एकदम झंडा आजमगढ़ की जनता ही भेजेंगे तभी वो मानेगा। क्या कहना चाहती है? मोदी जी खुश हैं? नहीं खुश हैं। वो वैकेंसी भी निकलवा रहे थे, उसमें लीक करवा दिए पेपर को, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या मोदी जी लीक करवाए हैं पेपर? अब वही इन्हीं की वजह से हुआ है ना। अरे वही वैकेंसी निकाल रहे, उनकी सरकार वैकेंसी निकाल रही है, हम लोग का वो फॉर्म अप्लाई किए, उतना पैसा हम लोग का बेस्ट ही चला गया ना, इतना मेहनत से हमारी मम्मी सिलाई कर कर पढ़ाई कराती हैं, पापा देख सकते हैं एक बहन अपनी कितनी दर्द भरी तकलीफ बता रही है। तो क्या विश्वास कैसे तब मानेंगे जब लीक हो जा रहा है पेपर? वो नहीं विश्वास मान रहे हैं। आप मोदी जी के परिवार नहीं? नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सवा नौ मन का तिल का हवन जरे है, पूरी जनता नैहर सासू सब लपटियाई, लेकिन आते ऊपर से देश का लपटिवा दे ले है कि आगे पीछे 1500 लाखों लाख मने हमें काटे वाले जात हुआ। मोदी तू भाई बनला हवा तेली, आ हमर अमौती रजभर के बहन बनौला कवन आशीर्वाद है, तिला जरवावा आए कि जल्दी कहो बहुत लगे तब है तो क्या कहना चाहते हैं आप? बस हर हर मोदी घर घर मोदी। खुश है मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। निरुवा से? बिल्कुल बिल्कुल सब से खुश है। बीजेपी 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 मोदी जी मोदी जी मोदी जी हमेशा अब की नहीं बार बार मोदी जी बार बार मोदी बार बार मोदी जी जय श्री राम। विपक्ष अपना ताकते रहे,
विपक्ष ताकता ही रहेगा, वो कभी नहीं आएंगे, हमेशा मोदी योगी। कब तक रहेंगे मोदी जी? अरे अच्छा कार्य करेंगे, बीजेपी अच्छा कार्य कर रही, योगी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा बल्का बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल। तो यही कहेंगे कि तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, और दबा के आलो दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी जय जवाहर बीजेपी बीजेपी।